हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आई एस टुडे इज़ सेवेंटी ऑफ डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी लेट्स सी विच न्यूज़ यू हैव टू रीड इन द न्यूज़पेपर टुडे दिस इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ अभिमन्यु आई एस सो दैट यू डू नॉट हैव टू वेस्ट योर टाइम रीडिंग इनरेलीवेंट न्यूज़ फॉर द सिविल सर्विसिज़ एग्जाम इस वीडियो का पर्पज़ आपको न्यूज़ पेपर का एनालिसिस बताना नहीं बल्कि ये बताना है कि आपको कौन सी न्यूज़ रीड करनी चाहिए और कौन सी नहीं सो लेट लेटस स्टार्ट वट यू हैव टू रीड इन टुडेज न्यूज़

सक्सेसफुल दैन दिस वैक्सीन कैन भी अप्रूव बाय द गवर्मेंट फॉर एमरजेंसी यूज़ बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो कि वैक्सीन डिवेलप कर रही हैं और एमरजेंसी यूज़ के लिए उस वैक्सीन को अप्रूवल के लिए भेज रही हैं बट द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और डी सी जी आई हैज़ मेड इट क्लियर दैट इवन अ वैक्सीन फॉर एमरजेंसी यूज कैन भी मेड कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ सफिशंट डेटा इज शोन दैट इट विल नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट इन द लॉन्ग टर्म तो यह बहुत क्लियर कर दिया है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कि कोई भी वैक्सीन एमरजेंसी यूज के लिए तभी अप्रूव की जाएगी जब तक वो एक सफिशियंट क्वान्टिफाइबल डेटा प्रोड्यूस नहीं करती जिससे कि यह प्रूव हो सके दैट द वैक्सीन इज टोटली सेफ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज जो फ्रंट पेज पर है एस सी मूट्स पैनल फॉर फार्मर गवर्नमेंट टॉक्स ये एक रनिंग uh, न्यूज है तो एज सच इसकी बहुत ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता ये न्यूज़ काफ़ी दिन से चल रही है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट ओनली इफ समथिंग कम्स आउट ऑफ इट जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक पैनल इसके ऊपर बनाया जाए तो गवर्नमेंट भी पहले यही ऑफर कर रही थी दैट लेटेस्ट मेक अ पैनल जिसमें कि दोनों तरफ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और वो मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे नाउ द दी हैज डन द सेम थिंग तो अगर ऐसा किया जाता है Then, उस पैनल की रिकमेंडेशन क्या है उस पैनल का चेयरपर्सन कैसे बनाया जाता है ये सब चीजें रेलिवेंट हो जाएंगी सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज इज कैबिनेट क्लियर स्पेक्ट्रम ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हैज बी गॉज वेरी प्रॉपरली देखिए हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर है इट इज़ शोइंग मैसिव लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट क्योंकि लॉकडाउन रहा इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो डाउन में थी और जी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो ऐसे टाइम में गवर्नमेंट का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा का रिस्ट्रिक्ट हो चुका है अब इस टाइम पे जब फिजिकल डेफिसिट पूरे साल का जब फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है यानी कि फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू से लेकर थर्टी मार्च टू तक का जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट था गवर्नमेंट का इट हैज़ ऑलरेडी ब्रीच परसेंट इन द मंथ ऑफ सौ परसेंट वो पिछले ही महीने क्रॉस कर चुका है सो नाउ इट इज़ ओवर एंड अबव दैट लिमिट ऐसे में गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई बहुत बड़े सोर्स की जरूरत है और ऐसे वक्त में अगर फोर जी स्पेक्ट्रम एलोकेशन होती है देन इट कैन बी अ रियली गुड रेवेन्यू बूस्टर फॉर द गवर्नमेंट क्योंकि इसकी जो रिज़र्व प्राइस रखी गई है इट इज़ थ्री पॉइंट नाइन टू लाख करोड़ यानी कि करीब चार लाख करोड़ रुपये इसकी रिजर्व प्राइस रखी गई है और दूसरा इसका रेलिवेंस ये है दैट इट विल गिव अ बूस्ट टू फोअर नेटवर्क लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने अपने 5G पॉलिसी लॉन्च नहीं की है तो दैट मीन्स इट विल टेक सम टाइम बिफोर द 5G स्पेक्ट्रम पॉलिसी इज अनाउंस तो अगले साल 2021 में 5G सेवा के लॉन्च होने की उम्मीद है इंडिया में और गवर्नमेंट जल्दी ही उस पॉलिसी को लेकर आएगी सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम फिजिकल सिचुएशन हाउ द गवर्नमेंट सिस्टम वर्कस एंड इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्पेक्ट्रम हैं हाउ आर दे हाउ डू दे वर्क सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू फ्रॉम टू हेयर बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के लिए ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है आपका देन पेज नंबर सिक्स एडिटोरियल पेज सबसे पहले एक आर्टिकल है यहाँ पे एक्सेलेंस इन डाइवर्सिटी एडिटोरियल है द हिंदू का एक्सेलेंस इन डाइवर्सिटी तो कल हमने एक न्यूज़ देखी थी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं उनमें रिजर्वेशन पॉलिसी को बाईपास करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए ओनली इन फैकल्टी रिक्रूटमेंट नॉट फॉर स्टूडेंट्स बट फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको रिलैक्स करने के लिए एक पैनल ने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को बिकॉज इतने वेल क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं हु कैन satisfy द कास्ट क्राइटेरिया एज वेल तो उसके ऊपर ये कैडिटोरियल है कि कैसे इस चीज़ को इन्श्योर किया जाए और इसका कारण भी बताया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि 2008 से जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं ओबीसी हैं उनके लिए कोटा इम्प्लीमेंट किया गया आईआईटीज में पढ़ने के लिए और वही स्टूडेंट्स जब पढ़ के निकले तो वो उनकी जो मैरिट थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी उनकी जो मैरिट कट ऑफ थी इट वॉज़ वे लोअर दैन अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट तो उस वजह से अब वही लोग जब टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं दे आर नॉट एलिजिबल एज़ पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी में फैकल्टी स्टैंडर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हाई रखे गए हैं और उसके अकॉर्डिंग वो जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई वो जो है वो एलिजिबल नहीं बनते तो इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को भी रखा जाए यानी कि एफर्मेटिव एक्शन को इन्श्योर भी किया जाए ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके और इस पॉलिसी को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि एक पॉलिसी दूसरी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना करे सो देर इज़ वन पॉलिसी अंडर विच यू आर गिविंग रिजर्वेशन टू ओबीसी स्टूडेंट्स फॉर स्टडींग इन आई एंड ऑन द अदर हैंड द सेम स्टूडेंट्स वैन दे पास आउट ऑफ द आई दे आर नॉट एलिजिबल फॉर टीचिंग इन द सेम इंस्टीट्यूशन तो इस तरह से इस आर्टिकल में बताया गया है हाउ अ बैलेंस कैन बी रीच्ड रिजर्वेशन के ऊपर एफर्मेटिव एक्शन के ऊपर यहाँ पे आपको ये आर्टिकल पढ़ना है सेकेंड अगेन दिस आर्टिकल इज ऑन क्वालिटी राइट टू प्राइवेसी के ऊपर अच्छा एक आर्टिकल है ये आपको पढ़ना है तो राइट टू एजुकेशन की जो पुट्टा स्वामी जजमेंट आई थी 2018 में अंडर विच राइट टू प्राइवेसी वॉज डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट अंडर द वाइड स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसी में आप इसको ऐड कर सकते हैं इसमें जो जो भी चेंजेस जो जो भी मॉडिफिकेशन बताई गई हैं विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड आपका है डिस्करेजिंग नंबर्स ये काफ़ी अच्छी एक एडिटोरियल है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जैसे कि मैंने आपको बताया था जो सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स हैं या एस हैं देर आर टोटल सेवनटीन एस तो उनका अगर आप एक एक पेज बना लें अगर आप हार्ड कॉपी पे नोट्स बनाते हैं तो एक एक पेज उसका बना लीजिए और अगर आप डिजिटल नोट्स बनाते हैं तो एक एक डॉक्यूमेंट आप उसका बना सकते हैं और उन 17 एस में कोई भी जो न्यूज़ या रिपोर्ट आती है या जो भी फॉर्डर पॉइंट्स हैं उन्हें आप वहाँ नोट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल नाउ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव डेटा हैज़ कम आउट तो उसमें न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स जो जो भी बताए गए हैं वो उसमें थोड़ा डिक्लाइन देखा गया है कि न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स थोड़े कम आए हैं विच इज शोज अ वेरी डिस्मल पिक्चर ऑफ इंडिया लॉकडाउन के टाइम पे ये एक्सेस और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया तो अब ये डेटा जो है ये आप डायरेक्टली जो एस है हंगर के ऊपर उसमें आप लिख सकते हैं राइट सो इट कैन एक्चुअली बी अ गुड फ्रेमवर्क फॉर यू टू ऑर्गेनाइज योर थाट्स अब जैसे हेल्थ पे कोई न्यूज़ आती है एजुकेशन पे या रीनुएबल एनर्जी पे या फिर न्यूट्रिशन पे देर आर अंबर ऑफ सच इशू सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज तो आपको ये डिसाइड करना कई बार मुश्किल हो जाता है कि इसको किस फ्रेमवर्क में फिट करें सो एसडीजी कैन बी अ रियली गुड फ्रेमवर्क सस्टेनेबल डेवेलपमेंट गोल्स कैन कैन बी अ रियली गुड फ्रेमवर्क तो आप इसको वहां पर नोट कर सकते हैं दिज अ वेरी गुड आर्टिकल एंड यू हैव टू रीड इट वेन मूविंग ऑन पेज नंबर यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज टुडे पेज नंबर टेन ऑफ द हिंदू इंडिया गोज डाउन टू रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एच डी आई लॉन्च हो गया है 2020 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इंडिया का रैंक इसमें दो डिक्रीज हुआ है यानी कि पहले इंडिया का रैंक जो था वो 129 था नाउ इट हैज़ गॉन टू 131 हालांकि इस बार एक नया क्राइटेरिया ऐड किया गया है विच इज़ द ग्रीन इंपैक्ट और इस इस पर्टिकुलर इंडिकेटर पे अगर इंडिया को रखा जाए तो ये आठ प्लेसेस इंप्रूव हो जाएगा सो इट विल गो टू लाइक हंड्रेड एंड एक्चुअली तो आठ प्लेसेज इंप्रूव हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग अभी ये सेट नहीं किया गया है बट दैट शोज हाउ मच इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड ऑन द ग्रीन इम्पैक्ट फ्रंट ग्रीन इम्पैक्ट यानी कि जो भी इंडिया के आई एन डी सीज हैं या इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन कॉन्ट्रीब्यूशन हैं जो कि इंडिया के कमिटमेंट्स हैं अंडर द पैरिस क्लाइमेट डील टू थाउजेंड फिफ्टीन तीन उसमें कमिटमेंट्स हैं पहला है रिन्यूएबल एनर्जी को टोटल एनर्जी मिक्स का फोर्टी परसेंट करना बाई द ई टू थाउजेंड थर्टी सेकेंड है टू पॉइंट फाइव टू थ्री बिलियन टन ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करना बाई न्यू ट्रीज एंड फॉरेस्ट और तीसरा है कि जो कार्बन अमिशंस है उसको थर्टी थ्री टू थर्टी फाइव परसेंट रिड्यूस करना ऑफ द जी डी पी इंटेंसिटी फ्रॉम टू थाउजेंड फाइव टिल टू थाउजेंड थर्टी तो दो हज़ार पाँच में हमारी जी डी पी के अकॉर्डिंग जो हमारी कार्बन अमीशन्स थे उसको दो हज़ार तीस तक तैतीस से पैंतीस परसेंट तक कम करना और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया कि कैसे यूनियन एन्वायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया दैट इंडिया इज़ वेल ऑन कोर्स टू अचीव ऑल दीज टारगेट्स इनफैक्ट इंडिया कैन एक्चुअली यू कैन से ओवर सब्सक्राइब टू दीज टारगेट्स उसको ओवर अचीव कर लेगा इंडिया बाई द टू थाउजेंड थर्टी दैट इज़ हाउ वेल इंडिया इज गोइंग अहेड तो जो जी ट्वेंटी कंट्रीज़ हैं उनमें से इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जो आई एंड डी सीज को अचीव करने के डायरेक्शन में बिल्कुल सही डायरेक्शन में और सही स्पीड से आगे बढ़ रहा है दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर एस और एच डी आई में भी वो शो होती है कि एच डी आई में जो नया ये चीज़ इंक्लूड की गई है इसको अगर इंडिया को अगर इसके अकॉर्डिंग मेजर किया जाए दैन इंडिया विल इंप्रूव एट प्लेसेस इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज आपकी ये पूरी न्यूज आपने पढ़नी है क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वट एवर दैट इज आपको इसमें पढ़ना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज देन वी मूव ऑन टू द वर्ल्ड पेज वर्ल्ड पेज पे कुछ खास नहीं है यस yes, हेयर ये एक बहुत खास न्यूज़ नहीं है लेकिन आपको एक ट्रेंड सजेस्ट करती है इकोनॉमी पेज पे ऑन पेज नंबर फोर्टीन द बिजनेस पेज एस बी आई सी इज़ रिकवरी नैरोइंग फाइनेंशियली ट्वेंटी वन जी डी पी कॉन्ट्रैक्शन टू सेवन पॉइंट फोर परसेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहले जो जी डी पी का प्रोजेक्शन दिया था वो टेन पॉइंट नाइन परसेंट श्रिंकेज बताया था कि इस साल 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में जो जीडीपी है इंडिया की वो 10.9 परसेंट कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी कि श्रिंक होगी लेकिन अब उसको कम करके 7.4 परसेंट कर दिया है नाउ दैट शोज दैट द रिकवरी इज फास्टर देन एक्सपेक्टेड इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर तो ये अच्छी न्यूज है बस इससे आपको इतना आइडिया लेना है देन वी मूव टू द सेकेंड न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस में लेटस मूव टू द एक्सप्लेन पेज ओके ऑन दी एक्सप्लेन्ड पेज यह पहला आर्टिकल आपको नहीं पढ़ना है रीडिंग केरला रिजल्ट यह पढ़ने की जरूरत नहीं है ना दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉलिटी पर्सपेक्टिव हाउ पार्लियामेंट मीट्स तो इंडियन पॉलिटी का एक कोर इशू है पार्लियामेंट के कितने सेशनस होते हैं कौन उसे जो है वो बुलाता है कौन कन्वीन करता है राइट ऑल दोज थिंग्स तो कॉन्स्टिट्यूशन की में उसकी क्या प्रोविजंस हैं वो कब कब डिले किया जा सकता है दो दो सेशन में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है और अगर वो एक्सीड हो जाए तो क्या होता है वट कैन बी द एक्सट्रॉर्डनरी सिचुएशन काफ़ी डिटेल में बताया गया है इनफैक्ट इसकी कटिंग करके आप इसको अपने पॉलिटी नोट्स के साथ भी अटैच कर सकते हैं जहाँ पर भी आप यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में करेंगे यूनियन लेजिस्लेचर के नोट्स हैं जहाँ भी आपके वहाँ इस आर्टिकल को आप अटैच कर सकते हैं इसमें आपको डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है सो दिस इज़ अ वेरी क्लियर यू कैन से स्टैटिक आर्टिकल फ्रॉम और ये क्यों है न्यूज़ uh, में क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि कोविड की वजह से विंटर सेशन शुड बी डिलेड तो ये इसमें बताया गया कि क्या विंटर सेशन ऐसे डिले किया जा सकता है वट वो सारी प्रोविजन इसमें डिस्कस की गई हैं देन ऑन द एडिटोरियल पेज एडिटोरियल पेज में आई आर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन परस्पेक्टिव से ये पहला ऑडिटोरियल आपने पढ़ना है इक्वल पार्टनर सो इक्वल पार्टनर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो है उनको रिपब्लिक इंडियन रिपब्लिक डे परेड के ऊपर चीफ गेस्ट की तरह इन्वाइट किया गया है एंड ही हैज एक्सेप्टेड दैट तो इंडिया और यूके uh, में जो रिलेशन हैं उनके ऊपर ये आर्टिकल है that uh, shedding the colonial baggage delhi and london are set for a fresh start to india uk relations mein kya kya chal raha hai wahan par ye cheez aapka value addition ho sakti hai so ye article aapne padhna hai then again farm laws के ऊपर एक opinionated article है, इसको आप पढ़ सकते हैं, but you can skip that also राइट ऑन द वर्ल्ड पेज देयर इज वन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यस कोरोना वायरस केसेज डेथ सर्ज इन सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड तो एक ऐसा कहा जा रहा है कि एक लास्ट वेव कोरोना की आ रही है कई कंट्रीज में नाउ वट वट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज़ आप सोचें कोरोना की न्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गई है वट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज़ द लेसन लर्न आपको एक बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए नाउ दैट कोरोना हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर एन एंटायर ईयर तो आपको उसकी हर चीज़ के ऊपर पॉइंटर्स रेडी होने चाहिए वट वर द रीजन फॉर इट स्प्रेड वट आर द रीजन्स फॉर द सेकेंड वेव वट वॉज वट वॉज द रिस्पॉन्स ऑफ वेरियस गवर्मेंट्स एक अच्छा रिस्पॉन्स आपके पास होना चाहिए किसी कंट्री का जैसे कि एज अ मॉडल कोई आगे ऐसा कोई पैंडमिक हो तो उस सिचुएशन को हम कैसे डील कर सकते हैं या हाउ आर वी इन अ बेटर पोजिशन नाउ देन वी वर अ ईयर अर्लियर एज फार एज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न वट हैज चेंज अगर दोबारा से कोई नया पैंडमिक अगर आ जाए देन वट इज़ इट दैट वी कैन इम्प्रूव दैट वी कुड नॉट डू लास्ट टाइम लाइक लेसन्स फ्राम दिस पर्टिकुलर ट्रैजिडी दिस पर्टिकुलर ग्लूमी सिचुएशन और इसी तरह से अब दूसरी कंट्री से देखकर हमें ये लेसन लेना है कि इंडिया में जो केसेज हैं अब वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ गए हैं बट देर आर सर्टन कंट्रीज वेयर इट इज़ सर्जिंग अगैन तो ऐसा इंडिया में ना हो पाए वट आर द लेसन्स टू बी लर्न ये चीज़ आपने देखनी है सो दिस इज़ ऑल दैट यू हैव टू रीड फ्राम दीज टू न्यूज़ पेपर्स थैंक यू अगर आपको पसंद आई हो वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल डो नॉट फरगेट टू प्रेस द बेलाइकन ताकि रोज़ जब ये वीडियो पोस्ट हो यू गेट द नोटिफिकेशन एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो डो नॉट फरगेट टू रीड द न्यूज़ जो न्यूज़ हम मैंने यहाँ पर आपको बताई है दैट इज़ नॉट द एनािसिस दैट इज़ फॉर यू टू रीड फॉर यू टू नोट डाउन इन योर नोट्स एंड फॉर यू टू इवन टेक कटिंग ऑफ इट एंड यू कैन प्रिजर्व इट इन सम सिस्टमेटिक मैनर सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो एंड नॉट एनालिसिस राइट सो थैंक यू एंड हैव एन हाइस डे